आप सबका स्वागत है मॉडर्न 90 मिनट्स में। आशा करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आए। तू यहां नहीं तो वहां जरूर मिलेगा, जहां तुझे भी आना था और मुझे भी। इस शायरी के साथ राजन, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और हमें यही आना था मोर देन 90 मिनट्स के पॉडकास्ट के लिए, और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको बड़े दिनों बाद देख के। हम लोग बड़े दिनों के बाद एक पॉडकास्ट बना रहे हैं और बनाने के कई वजह हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में कई चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें जाननी जरूरी है। ओलंपिक शुरू हो गए, मैं उसी से शुरू करूंगा। और पहले सबसे पहले पूरे भारत के हर निवासी को, हमारे सारे दोस्तों को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि पहला सिल्वर मेडल भारत का आज आ चुका है वेट लिफ्टिंग में। मैं बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा मीराबाई चानू को, जिन्होंने 49 केजी कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में हमारे लिए आज सिल्वर जीता है। और शुरू करते हैं राजन इसी से, क्योंकि दर्शकों को बताना भी ये जरूरी है कि ओलंपिक्स में भी फुटबॉल होता है और दोनों मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में रूल थोड़े अलग होते हैं ओलंपिक्स में, क्योंकि वहां पे सिर्फ अंडर 23 की टीम अलाउ होती है, सिर्फ 3 प्लेयर है जो 23 या सीनियर टीम से ऊपर या सीनियर टीम से आ सकते हैं। और ये जो टूर्नामेंट है, ये जो फुटबॉल है मेंस फुटबॉल, वो 1900 वाले ओलंपिक से चल रहा है जो पेरिस में हुए थे। मेंस और वुमेन्स की दोनों टीमें हैं। मेंस के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि 4 टोटल ग्रुप है, उसमें 4-4 टीमें हैं। वुमेन्स में 3 ही ग्रुप होते हैं, उसमें 4-4 टीमें होती है। और 2 टीमें राजन जो मेंस में स्पेसिफिकली जिसपे सबकी नजर है इस बार की जीतने के बड़े चांसेस हैं, वो है एक स्पेन और दूसरी है ब्राजील। और वुमेन्स में जो टीम है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो नंबर 1 है वर्ल्ड में। लेकिन उस नंबर 1 टीम को पहले ही मैच में शिकस्त खानी पड़ी है, वो भी स्वीडन के खिलाफ। और जो भी वुमेन्स फुटबॉल फॉलो करते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि जरूर यूएसए की टीम को जाके देखिए, उसमें कुछ बहुत बड़े नाम है। मेगन रैपिनो इनमें से एक, एलेक्स मॉर्गन, होप सोलो, ये बहुत बेहतरीन खिलाड़ी इंटरनेशनल फुटबॉल में वुमेन्स कैटेगरी में। लेकिन उस टीम को स्वीडन ने दे दिया शिकस्त। 47 मैच का कुछ शायद रिकॉर्ड था जो वो हार गए थे, उसको पहले ही मैच में ओलंपिक्स में स्वीडन ने तोड़ दिया। मेंस फुटबॉल में स्पेन और ब्राजील, राजन मेरे को तो लग रहा है इन दोनों में से एक टीम जरूर जीतेगी इस टूर्नामेंट को। बिल्कुल, ब्राजील में अगर देखो तो यंगस्टर्स तो ब्राजील के अच्छे हैं ही, हालांकि ज्यादा नाम हम जानते नहीं हैं उनमें से। बट जो 3 अबव 23 प्लेयर्स गए, उनमें से एक है आपके दानी अल्वेस और दूसरे रिचार्लिसन, तो काफी बड़े प्लेयर्स। और स्पेन की तो अंडर 23 टीम ऐसा था कि यूरोज के सेमीफाइनल में पहुंची थी एक तरह से। तीन या चार प्लेयर्स को आप निकाल दो उसमें से, मोराता, बुस्केट्स, अजिपिकेल्ता और जॉर्डी अल्बा, तो ये इन चार को निकाल दो तो सारे अंडर 23 थे। तो जो यूरोज के सेमीफाइनल में टीम पहुंची थी लगभग वही टीम ओलंपिक्स में गई है। हाँ, तो स्पेन और ब्राजील दोनों ही प्रबल दावेदार है, बट ओलंपिक्स में जनरली अफ्रीकन टीम बहुत अच्छा करती है, तो देखना होगा क्या। बिल्कुल, मैं एक चीज देख रहा था ओलंपिक्स के बारे में कि जो टीम्स वर्ल्ड कप जीती हुई हैं या मेजर टूर्नामेंट्स अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जीती हुई हैं, वो ओलंपिक्स में काफी खराब परफॉर्म करती है। उनमें से एक यूरोगुए है जो काफी बार वर्ल्ड कप जीती है, लेकिन अंडर 23 टीम आने की वजह से वो ओलंपिक्स में ऐसा कुछ अपना बड़ा आज तक परचम नहीं लहरा पाई है। और अफ्रीकन नेशंस को बड़ा एडवांटेज मिलता है अंडर 23 की वजह से, क्योंकि वहां पे अच्छा टैलेंट अंडर 23 टीम्स में देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कई इंटरनेशनल फुटबॉल क्लब्स में भी काफी अफ्रीकन नेशंस के प्लेयर्स खेलते हैं जो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। करेक्ट, और हर बार नजर रहती है उन प्लेयर्स को खरीदने की। और हमारे जो व्यूअर्स होंगे शायद सब ना जानते हो ट्रांसफर मार्केट के बारे में, जो फुटबॉल नहीं फॉलो करते, उनके लिए बस मैं ये बताना चाहूंगा कि ट्रांसफर मार्केट बस एक फुटबॉल का एक मार्केट है, जहाँ पे आप एक विंडो मिलती है जहाँ पे आप प्लेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लोन पे ले सकते हैं, लोन पे भेज सकते हैं। फ्री एजेंट भी एक उसमें कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में भी हम जब डिटेल में कभी वीडियो बनाएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। और फीफा इसको रेगुलेट करता है, तो वो ट्रांसफर विंडो इस वक्त चल रही है राजन, और कई बेहतरीन ट्रांसफर्स हुए हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। उनमें से जो सबसे बड़ा ट्रांसफर है, जो सबसे बड़ी टीम है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले, वो है जिसकी मैंने जर्सी भी पहनी हुई, वो है पेरिस सैन जर्मेन। ये जो फ्रांस का क्लब है, इसने सारे प्लेयर उठा लिए जो भी मार्केट में खुले, पता नहीं कौन सा इनको याद आया कि बड़े दिनों से शायद बचे हुए थे कि हम लोगों ने बड़े दिनों से बड़े खिलाड़ी नहीं खरीदा है। पीएसजी ने राजन, जिसको पेरिस सैन जर्मेन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है पीएसजी, पीएसजी के नाम से क्लब जाना जाता है। और मैं नाम लेना चाहूंगा, मैंने लिस्ट बना ली थी क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम है कि मैं एक को भी मिस नहीं करना चाहता। वो नाम है डैनिलियो, जो पोर्टो से आए इनकी टीम में। उसके बाद इन्होंने लिवरपूल के कई फैंस के दिल तोड़े हैं, उनको उन्होंने उठा लिया फ्री ट्रांसफर में।
बहुत जल्दी से हकीमी को इंटर मिलान से उठाया, और वो जो 56.6 मिलियन की जो बात है उनमें से 51.3 मिलियन पाउंड तो हकीमी के ऊपर ही खर्च करे, बाकी बाकी बड़े बड़े प्लेयरों में छोटे मोटे बांध दे। मेरा जो दिल टूटा है वो इस खिलाड़ी के पीएसजी में आने की वजह से टूटा, क्योंकि रियल मैड्रिड से सर्जियो रैमोस, रियल मैड्रिड के कैप्टन, सुपरस्टार रियल मैड्रिड के, मुझे लगता है शायद राहुल और इकर कैसियस के बाद अगर मैं किसी प्लेयर के बारे में सोच सकता हूँ रियल मैड्रिड के लिए, वो सर्जियो रैमोस है। लेजेंड रह चुके हैं रियल मैड्रिड के, रैमोस के जाने से बहुत बड़ा एक डर्थ रियल मैड्रिड को देखने को मिलेगा, क्योंकि अब उनके दूसरे डिफेंडर राफेल वरान के बारे में भी जाने की बात हो रही है, तो मुझे नहीं पता कि रियल मैड्रिड क्या करेगा। उन्होंने खैर डेविड अलाबा को लिया है, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं पता, रियल मैड्रिड शायद रिस्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं, कार्लो एंसेलोटी को लेकर आई है वापस, उनके पुराने मैनेजर रह चुके हैं, बहुत सक्सेसफुल मैनेजर रह चुके हैं रियल मैड्रिड के लिए। और सबसे बड़ा ट्रांसफर मेरे हिसाब से जो पीएसजी का है वो है जियानलुइजी डोनारुमा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रह चुके थे यूरो 2020 के, वो प्लेयर भी पीएसजी के अंदर आ चुका है। तो मेरे को लगता है राजन इस बार पीएसजी खैर अपने लीग वन में तो करती बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस, मेरे को लगता है चैंपियंस लीग में सबसे टफेस्ट कॉम्पिटिशन होने वाली है। बिल्कुल, ये जुलाई और अगस्त में जब यहाँ मानसून चलता है तो यूरोप में और या फुटबॉल वर्ल्ड में ट्रांसफर सीजन चल रहा होता है, तो पीएसजी काफी टाइम से मनी स्पेंड कर रहा है और लगभग बहुत प्लेयर्स खरीदे, नेमार एम्बापे जैसे प्लेयर्स खरीदे हैं, और इस साल भी काफी बड़े बड़े नाम गए हैं, लेकिन अभी तक जो वो चाहते हैं चैंपियंस लीग जीतना वो अभी तक नहीं जीत पाए, तो उसी के पीछे भाग रहे हैं, जितना पैसा स्पेंड कर सकते कर रहे हैं। डैनिलो परेरा लास्ट ईयर ही पीएसजी ज्वाइन कर लिया था लोन पे, और इस साल उनकी जो डील है वो बस फाइनलाइज हुई है ऑफिशियली। इसके अलावा सबसे बड़ा जो मनी वाइज ट्रांसफर हुआ है वो है अशरफ हकीमी का, जो कि राइट बैक खेलते थे इंटर से पीएसजी आए हैं। और इसके अलावा विजनाल्डम, रामोस और डोनारुमा, तीन प्लेयर्स फ्री ट्रांसफर हैं, कहने को फ्री ट्रांसफर है क्योंकि कोई फीस नहीं लगी है, किसी क्लब को कोई पेमेंट नहीं गया है, बट इन तीनों ने अपने आप में अच्छी खासी सैलरी और अच्छा कॉन्ट्रैक्ट उठाया होगा पीएसजी से, क्योंकि आपको याद होगा विजनाल्डम तो बार्सिलोना के साथ लगभग साइन कर लिया था और फिर अचानक से पता चला कि वो पीएसजी चले गए। और रामोस का भी, रामोस को रियल मैड्रिड कितना मिस करेगी मालूम नहीं, क्योंकि लास्ट सीजन रामोस बहुत कम खेले थे, पूरे सीजन इंजर्ड ही रहे थे, तो उनकी जो स्पेन की टीम से बाहर हो गए, बिल्कुल इसी वजह से स्पेन की टीम से भी बाहर हो गए, और क्योंकि ज्यादा खेले नहीं थे तो शायद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल को लेकर कॉन्ट्राडिक्शंस थी, रामोस कह रहे थे कौन मैं तो साइन करने वाला था बट इन्होंने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, तो ये सब जो भी है पॉलिटिक्स है इंटरनल क्लब्स की वो चलती रहती है। बट रामोस प्लेइंग 11 में कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे पीएसजी के लिए मालूम नहीं, बट हाँ एक मेंटालिटी और एक विनिंग कल्चर जरूर ड्रेसिंग रूम में डेवलप कर सकते हैं अपने आने से, काफी सीजनड प्लेयर एक्सपीरियंस प्लेयर है रामोस, तो कुछ तो इफेक्ट पड़ना चाहिए पीएसजी में। बट वही बात है, आप प्लेयर्स तो आप बड़े बड़े खरीद सकते हो बट चैंपियंस लीग आप खरीद नहीं सकते, उसके लिए तो आपको ग्राउंड में खेलना ही पड़ता है, तो देखते हैं इस बार क्या। और कुछ बात करें जो आपने एक्सपीरियंस की बात करी, राजन बहुत सारे क्लब्स का ये कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्लब्स की फ्रेश प्लेयर्स को खरीदा जाए, यंग प्लेयर्स को खरीदा जाए, लेकिन मुझे लगता है कि पीएसजी शायद वो डीएनए समझ रही है, वो कोड समझ रही है कि एक्सपीरियंस बड़ा काउंट करेगा। और अगर हम देखें, आपने बिल्कुल सही बात करी, अगर आप विजाल्डन को भी देखिए, अगर आप सर्जियो रैमोस को भी देखिए, इवन डोनारुमा को भी देखिए, डोनारुमा 17 साल की उम्र से खेल रहे, ये सब एक्सपीरियंस खिलाड़ी है कि स्ट्राइकर्स को छोड़ के, फॉरवर्ड लाइन को छोड़ के हर पोजिशन पे प्लेयर उठाया पीएसजी ने, क्योंकि उनको स्ट्राइकिंग में उठाने की जरूरत नहीं है, उनके पास इकार्डी, नेमार और एम्बापे आगे सेटल्ड है पहले से, और पीछे अब इस किस्म का उनके पास सेटअप रहेगा, देखते हैं खैर पीएसजी इसके बाद कहां लेके जाएगा। करेक्ट, इकार्डी की शायद छोड़ के जाए, इकार्डी को ऑफलोड करेंगे इंटर, क्योंकि बहुत ज्यादा प्लेयर्स भर दिए हैं और अच्छी खासी टीम है, उसके बावजूद पिछला लीग वन नहीं जीत पाए थे, लिल से हार गए थे अपने डोमेस्टिक लीग में, तो लेट्स सी इस बार, हर साल उनका चैंपियंस लीग ही टारगेट होता है क्योंकि लीग वन को तो वो फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं, तो पिछले साल जो उसके बाद अपने डोमेस्टिक लीग को भी ग्रांटेड नहीं लेंगे, और चैंपियंस लीग के लिए तो खैर वो इतना खर्चा कर ही रहे, लेकिन ला लीगा में भी काफी बड़ा एक रेप्लिकेशन है प्लेयर्स को लेने का, और वो दिखाया बार्सिलोना ने, उन्होंने सबसे पहले नेमार मेसी के साथ बात करके उनकी फीस थोड़ी कम करवाई ताकि वो और टाइम तक, बट अभी मेसी वाली डील फाइनलाइज नहीं हुई है,
क्योंकि किसी और क्लब से उसकी बात नहीं चल रही है बिल्कुल, और वो फाइनेंशियल फेयर प्ले की वजह से सैलरी भी कम कर रहे हैं, और सिर्फ लियो मेसी की नहीं सभी की कम कर रहे हैं। इनफैक्ट मेम्फिस डेपाई ने जो लास्ट मंथ पिछले महीने ही साइन किया था, और उसने दोबारा अपना रिन्यू करा, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करा सैलरी कटवाने के बाद अपनी, और जो पुराने एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं सुनने में आ रहा है उनकी भी सैलरी कट होगी, और जो नहीं मानेगा उस पे शायद लीगल एक्शन लिया जाए या उसको ऑफलोड करा जाए। तो काफी हलचल है इस बार ला लीगा क्लब्स में, ऑल ओवर वर्ल्ड में इस किस्म की हलचल है। और आपने बात करी, मैं जरा प्लेयर्स के नाम ले लूं, बार्सिलोना ने 6 प्लेयर इस बार अपने क्लब में लेकर आए, 10 उन्होंने छोड़े हैं या लोन पे भेजे हैं, उनमें सुपरस्टार है जो अंदर लेकर आए, सर्जियो अगुएरो, एरिक ग्रासिया, एमर्सन रॉयल, मेफिस दीपा आपने नाम लिया, यूसुफ डेमिर और अतिल, पीएसजी से उन्होंने फ्री ट्रांसफर वापस लेकर आए के रुइज अतिल को। और अगर अब जो सेटअप है, आप सोचिए सर्जियो रैमोस मेसी एक ही टीम में आ गए होंगे, पिछली बार अनफॉर्चुनेट था बहुत बार्सिलोना के लिए क्योंकि कुछ भी नहीं जीते, जहां पे वो सेट करना चाह रहे थे अपने आप को ला लीगा टेबल पे, वहां पर भी नीचे हो गए, और शायद बहुत बड़ा धक्का पड़ा बार्सिलोना को अपनी इस परफॉर्मेंस को देख के, क्योंकि और मैं देख रहा हूँ कई साल राजन में से पिछले अगर हम 2-3 साल देखे, बार्सिलोना का वो इम्पैक्ट या वो चार्म खत्म हो चुका है, और शायद अब वो मेरे को लगता है शायद अकेडमी की तरफ देखे, अपने यंगस्टर्स को देखे, वो हम लोगों ने यूरो कप में बात करी, ये जो ओवर डिपेंडेंस हो जाती है खिलाड़ी के ऊपर, वो बार्सिलोना ने मेसी के ऊपर देखा है, पहले उनके पास जावी इनिएस्ता जैसे खिलाड़ी थे, और स्पेन के बेस्ट ऑफ द बेस्ट या तो बार्सिलोना जाते थे, मेजरली बार्सिलोना जाते थे या रियल मैड्रिड जाते थे, लेकिन अब ये जो नया लाइनअप आया है, मैं जरूर देखना चाहूंगा कि बार्सिलोना अब ला लीगा में क्या करे, क्योंकि अगर इसके बाद भी बार्सिलोना का वो सिल्वर वेयर आया नहीं किसी भी किस्म का, तो काफी बड़ा प्रॉब्लम। मेरे को तो नहीं लगता बार्सिलोना की न्यू स्ट्रेंथन हुई है, अगुएरो कि अगर आप बात करें तो अगुएरो लास्ट ईयर बहुत कम खेला है, उसमें कोई डाउट नहीं कि वो वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर है, बट मेरे ख्याल से 34 साल का है अगुएरो, तो उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो पूरा सीजन हाई इंटेंसिटी में खेलेगा चैंपियंस लीग और ला लीगा, ये फेयर नहीं है। और मेसी हाँ ऑब्वियसली ओवरशैडो करता ही है, जब नेमार और सुआरेज MSN कहते थे इनको, मेसी सुआरेज और नेमार, जब तक ये तीन थे तब तक तो ओवरऑल डोमिनेट कर रहे थे, नेमार के जाने के बाद मेसी और सुआरेज थे, सुआरेज को बार्सिलोना ने क्या सोच के निकाला वो सबके परे है, उससे बड़ा बेवकूफ वाला डिसीजन शायद ही वर्ल्ड फुटबॉल में लास्ट ईयर लिया हो किसी ने, तो सुआरेज को पता नहीं क्यों निकाला, और सुआरेज के जाने से शायद मेसी अकेले पड़ गए, क्योंकि ग्रीजमैन का भी जो फॉर्म बार्सिलोना के लिए रहा है पिछले 2-3 साल से, ग्रीजमैन और फिलिप कोटिनियो को नेमार और सुआरेज के ट्रांजिशन के लिए खरीदा गया था बेसिकली, बट कोटिनियो तो सुपर फ्लॉप रहे हैं, मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थी जो लिवरपूल से जो फॉर्म था कोटिनियो का, और जो बार्सिलोना में रहा है वो तो एकदम फ्लॉप है, ग्रीजमैन थोड़ा स्टार्ट स्टॉप रहा है, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करा है, कुछ अच्छी परफॉर्मेंस रही है, बट इन दोनों को ही अब अगर आप देखो तो ऑफलोड करने की बातें चल रही है, ग्रीजमैन का बीच में वापस एथलेटिको जाने का चल रहा था, अब वो कैंसिल हो गया, अब कहीं और चल रही है बात, और कोटिनियो को भी अगर ऑफर मिलता है तो उसको भी ऑफलोड करने का है, बट ऑफलोड करना आसान नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम है सैलरीज की, बार्सिलोना का जो सैलरी है वो इतनी ज्यादा है कि कोई भी प्लेयर उस सैलरी से कम में कहीं और जाना नहीं चाहेगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि इनका गैरेथ बेल वाला हाल हो जाए कि ये मस्त बाहर बैठे हैं महीने के पैसे खाएं और ऐश करेंगे। बिल्कुल, मैं बड़ा खुश हूँ कार्लो एंसेलोत्ती के आने की वजह से, और रियल मैड्रिड के बारे में इस वक्त बात करनी बड़ी जरूरी है, आर्क राइवल है एकदम बार्सिलोना के, दोनों टीम्स एक दूसरे को टक्कर देती है हर साल, लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा, इन दोनों के बीच में या इन दोनों से आगे तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन बराबर जरूर पहुंच चुके हैं एथलेटिको मैड्रिड, लुइस सुआरेज को बार्सिलोना ने पिछले साल आपने जैसे बताया कि काफी बेवकूफी का मूव था कि हटा दिया, उन्होंने जाते ही वहां पे ला लीगा टाइटल जितवा दिया अपनी टीम को। और एक और क्लब जिस जो मेरा फेवरेट क्लब है, उनके भी कुछ मूव समझ में आ नहीं रहे मैनेजमेंट के, और वो है रियल मैड्रिड, राजन रैमोस को छोड़ा, वरान की जाने की फिर से बात हो रही है, उन्होंने लेकर एक ही अभी तक साइनिंग हुई है जो आई कैचिंग है, वो भी पता नहीं कि कैसा परफॉर्मेंस होगी, लेकिन वो भी डिफेंस लाइन के प्लेयर है। अब ये भी बात हो रही है कि वरान जाएंगे, अभी शायद प्रोबेबली हो सकता है वो भी रिलीज हो जाए, एम्बापे
एक उनके रियल मैड्रिड के रोस्टर पे खिलाड़ी है जिसको वो लेकर आना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ रूमर्स है, अभी पता नहीं कि क्या होगा। और यहां तक सुनने में रूमर्स आए थे कि 3 या 4 प्लेयर्स को, रियल मैड्रिड के मेजर प्लेयर्स को बाहर छोड़ने के लिए मैड्रिड तैयार थी एम्बाप्पे को लाने के लिए। मुझे पता नहीं ये कितना सेम मूव है मैनेजमेंट की तरफ से। नहीं, ये फोर्स्ड मूव है जितना हमें पता है, क्योंकि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना दोनों को लालीगा की सैलरी कैप को अडियर करना है इस साल, इसीलिए शायद वरान को भी बाहर निकालने की बातें चल रही है। और मबाप्पे का आने का बहुत ज्यादा चांस है, और लोग तो कह रहे हैं कि अगर इस साल नहीं तो अगले साल तो 99% है ही है, क्योंकि मबाप्पे का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है पीएसजी से। तो पीएसजी ऑब्वियसली नहीं चाहेगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट रन आउट हो जाए और मबाप्पे कहीं फ्री जाए। तो अगर मबाप्पे पीएसजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करता है तो काफी चांस है कि मबाप्पे इस साल छोड़ के चले जाएगा पीएसजी को। तो लेट्स सी क्या होता है, पता नहीं। कार्लो एंचेलोटी कोई फर्स्ट चॉइस तो थे नहीं, इमरजेंसी में उनको बुलाया गया है। 1-2 साल का ही टेन्योर होगा जितना मेरे को लगता है, क्योंकि जब तक एंचेलोटी है तब तक फिर रियल मैड्रिड अपने लॉन्ग टर्म सक्सेसर टाइप ढूंढेगी उनका। तो अब क्या होता है, कैसे चलता है मालूम नहीं, बट हाँ एक ट्रांजिशन पीरियड होगा जिसमें बड़े बड़े प्लेयर्स जितने रहे हैं पिछले, ये जो लास्ट 5-6 साल की जो जबरदस्त टीम रही है जिसने लगातार चैंपियंस लीग जीती है, वो टीम अब खत्म हो गई है, और उसके जितने भी बचे हुए मेंबर्स थे उनको एक एक करके बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, ट्रांजिशन किया जाएगा और एक नई टीम डेवलप करी जाएगी। तो कार्लो एंचेलोटी तो एक बस ब्रिज है बीच के, कि 1 या 2 साल वो रहेंगे यहाँ पर इस ट्रांजिशन को ओवरलुक करने के लिए, और पीछे पीछे मेरे को लगता है ऐसा ना हो कहीं नए गैलेक्टिको उसकी तैयारी कर रहे हो मबाप्पे से शुरुआत करते हुए रियल मैड्रिड। बिल्कुल, बीच में बात हो रही थी अर्लिंग हैलैंड को भी लाना चाहते हैं, वो भी मूव का भी पता नहीं। खैर मबाप्पे और हैलैंड के बीच में थी, अब हैलैंड की बात हो रही है टॉटनम हॉटस्पर्स के लिए, इसके लिए मैनचेस्टर सिटी के लिए, चेल्सी के लिए ज्यादा है मेरे को लगता है, क्योंकि सिटी जो 2 प्लेयर्स को टारगेट कर रही है, पेप गार्डियोला ने बिल्कुल ओपनली बोला है, वो है जैक ग्रिलिश और हैरी केन। हैरी केन इज द स्ट्राइकर मैनचेस्टर सिटी वांट्स। और हालांकि हालैंड यंग है, बट शायद प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी शायद केन की तरफ पल रहा भारी कर देगी केन का। और जैक ग्रिलिश पे काफी बड़ी टीम्स की नजर है, लास्ट ईयर मैनचेस्टर यूनाइटेड के भी ऐसे रूमर्स थे हल्के फुल्के, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड तो अभी मेरे को लगता नहीं कोई और अटैकिंग प्लेयर्स पे जाने वाली है सांचो के बाद। लेकिन एस्टन विला ने बुएंडिया एक मिडफील्डर उनको नॉर्विच सिटी से, और वो जो है उसको एक सिग्नल की तरह देखा जा रहा है कि जैक ग्रिलिश के जाने के लिए पहले से ही तैयारी कर लिया एस्टन विला ने। जैक ग्रिलिश जो सुपरस्टार है एस्टन विला के, लग रहा है इस साल मूव आउट करेंगे, बट यू नेवर नो क्या होता है। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में बहुत कुछ हो रहा है, उसके बारे में तो हमें जरूर बात करनी चाहिए। बस यूवेंटस से जो एक मेजर खबर आई है, जो बहुत उनके एकदम सुपरस्टार और लेजेंड अगर मैं कहूँ बुफोन, वो अपने पहले क्लब जिन्होंने शुरू करा था अपना करियर पार्मा, वहां पे वापस जा चुके हैं। आज ही मैं उनकी वीडियो देख रहा था, वो फोटो देख रहा था कुछ 1990s में, उनका एक फोटो है पुरानी जब एकदम बच्चे जैसे से, और फिर से आज ग्राउंड पर वो 2021 बुफो का पहला क्लब है, और एकदम फेरी टेल एंडिंग होने वाली उनकी करियर थी, जहां से शुरू करा वहीं खत्म करने वाले। और इंस्टाग्राम में मीम्स चल रहे हैं कि अब आपके चाहते होंगे कि खत्म करें बुफोन, बहुत साल हो गए। नहीं तो नहीं, बट लो वही मैं बता रहा हूँ आपको, इंस्टाग्राम में मीम्स चल रही हैं कि अगले 4-5 साल के लिए बुफोन, अगले 4 या 5 साल में पार्मा चैंपियंस लीग जीतेगी और तब बुफोन रिटायर करेगा। चलिए ये भी देखते हैं अगर बुफोन ये कर पाए। बिल्कुल, क्योंकि बुफोन ने चैंपियंस लीग के अलावा सारी ट्रॉफी जीती है दुनिया। बिल्कुल, सारी ट्रॉफी जीती है सिवाय चैंपियंस लीग के। और एक जो प्रीमियर लीग इस बार आदम कौन जीतेगा, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश प्रीमियर लीग में जिस किस्म के ट्रांसफर्स हुए हैं, मैं देख रहा था मैनचेस्टर सिटी ने 18 खिलाड़ी बाहर कर रहे हैं, जिसमें लोन प्लेयर्स भी हैं ऑफकोर्स, लेकिन 18 बाहर हुए हैं। मेन 2 उनकी साइनिंग रही है। अगर मैं देखूं चेल्सी की तरफ, साइनिंग अभी तक मेजर कोई नहीं है, 16 खिलाड़ी बाहर कर दिए, और उनमें से एक खिलाड़ी जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, और वो है
ओलिवर जिरू जिनको मिलान भेजा गया 1.7 मिलियन पाउंड में। इंग्लिश प्रीमियर लीग राजन जिस किस्म का सेटअप चल रहा है बहुत ही नेक टू नेक कॉम्पिटिशन होने वाला है मेरे हिसाब से कि कौन इसको लेके जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर मार्केट बड़ा ही अलग है। आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई है, और जेडन सांचो यूनाइटेड लेकर आ गया। मैं जस्ट इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने से पहले देख रहा था आपके मैनेजर शॉल शायद ने एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है यूनाइटेड के साथ, जो शायद 2024 तक का मेरे हिसाब से, जो उन्होंने अगले 4 साल का एक्सटेंशन दिया यूनाइटेड। राजन जेडन सांचो आने के बाद पोगबा का पता नहीं अभी क्या होगा, लेकिन अब तो जीतनी चाहिए। देखिए अब कोई बहाना नहीं होना चाहिए यूनाइटेड का। नहीं लेकिन देखो जेडन सांचो लास्ट ईयर आने वाला था बट कुछ किसी कारणवश नहीं हो पाई वो डील। देखो अगर मैनचेस्टर सिटी हैरी केन और जैक ग्रिलिश ले लेता है तो फिर तो जो बाकी टीम्स है उनको सेकंड पोजीशन के लिए खेलना पड़ेगा ना, हर साल की तरह। क्योंकि अगर हैरी केन और जैक ग्रिलिश सिटी जाएंगे तो फिर तो आप भूल जाएंगे। यूनाइटेड की प्रॉब्लम जो थी अटैकिंग वाइज थोड़ा उन्होंने उसको कम करने की कोशिश करी है जेडन सांचो को लेकर। वरान को अगर लाते हैं तो वरान और मैग्वायर का अच्छा सेंट्रल डिफेंसिव पेयर बन जाएगा। बीच में ट्रिपियर की भी बातें चल रही थी, वान बिसाका को थोड़ा क्या कहते हैं प्रेशराइज या प्रेस करने के लिए अच्छा, क्योंकि वान बिसाका बहुत यंग है और ट्रिपियर एक्सपीरियंस है, तो अगर 2-3 साल के लिए ट्रिपियर आ जाते हैं, क्योंकि ट्रिपियर भी आई थिंक 31-32 ओल्ड है पहले से, तो कुछ साल के लिए अगर ट्रिपियर आते हैं तो अच्छा एक्सपीरियंस होगा, अच्छा ड्रेसिंग रूम में एक मेंटालिटी लेकर आएंगे बढ़िया। तो इसके अलावा मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि एडिसन कवानी एज अ स्ट्राइकर खेल रहे हैं और उनके साथ मेसन ग्रीनवुड है यंग प्लेयर, तो वही 1-2 साल के अंदर जब कवानी फेज आउट होगा तो ग्रीनवुड विल बी द मेन स्ट्राइकर, और लेफ्ट हैंड साइड पे राशफोर्ड, राइट हैंड साइड पे सांचो, ये चीजें सेट है। पोगबा टॉम हीटन भी लेकर आया मिला से बाय द वे, हाँ बट वो तो रिजर्व कीपर है, वो तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो नंबर 1 स्पॉट के लिए लड़ेगा। डेविड डे हेया का हर साल थोड़ा चलता है रहेंगे या नहीं रहेंगे, बट हाँ मेरे को लगता है डेविड डे हेया इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर तक छोड़ देंगे यूनाइटेड को, और हेंडरसन अपनी प्लेस एज ए नंबर 1 सीमेंट कर देंगे। बाकी पॉल पोगबा मेरे को लगता है जा सकते हैं, क्योंकि मबापे की तरह उनका भी 1 साल ही बचा है कॉन्ट्रैक्ट पे और उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने से मना कर दिया, तो चांसेस है मबापे जाए, सो लेट्स सी। और दूसरी टीम तो हमेशा फेवरेट रहती है लिवरपूल, पिछले 3-4 सालों में अगर हम देखें चैंपियंस लीग को, इंग्लिश प्रीमियर लीग को, उन्होंने जिनालम को तो भेज दिया है, कोई साइनिंग भी एक ही कोनाते को कराए लेकर आए लिस्ट पे से, मुझे पता नहीं कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। देखो लिवरपूल की टीम एज इट इज स्ट्रांग है, लास्ट ईयर आप ध्यान रखो बिना वन डाइक के खेले पूरा सीजन लगभग, बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो साइनिंग है कोनाटे की वो भी रेड बुल लाइपसिक से आया है और सेंटर बैक है, यंग सेंटर बैक है, तो इमीडिएटली प्लेइंग 11 में आता है कि नहीं यू नेवर नो, बट हाँ 1-2 साल में शायद अपने आप को सीमेंट कर सकता है बड़े एज अ बिग प्लेयर इन लिवरपूल। बाकी फ्रंट लाइन और मिडफील्ड की तो लिवरपूल की आप बात ही मत करो, क्योंकि वो सब कुछ सेट है, फर्मिनियो, साला और माने और डिएगो होटा है उनके पास, है ना, और मिडफील्ड में एंडरसन है और विजनाल्डम को जाने दिया, उनके एक नए प्लेयर आ रहे हैं निको विलियम्स या और एक फिलिप्स करके प्लेयर है, तो शायद उसको आगे प्रमोट करेंगे विजनाल्डम की जगह, तो ऐसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है लिवरपूल के लिए, कोई जरूरत नहीं थी उनको सेंटर हाफ, हाँ उनका जो सेंटर हाफ था उसको स्ट्रेंथन करना था, तो उसके लिए एक प्लेयर खरीदा है उन्होंने, और टॉप 4 में तो रहेगी। जहां तक चेल्सी की बात है तो जीरू कभी भी प्लेइंग 11 में स्टार्टिंग में तो रहे नहीं, हाँ हालांकि बीच में 1-2 अच्छे स्पेल्स थे उनके, यूरोपा लीग में गोल्स मारे, चैंपियंस लीग में भी अच्छे गोल्स मारे हैं और एज अ सब्स्टिट्यूट हमेशा अच्छे इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट बन के आए हैं, बट ऐसे कोई मेजर मिसिंग नहीं होगा ओलिवर जिरू का, बट मिलान के लिए अच्छा। लेकिन साइनिंग को नहीं करते चेल्सी में, मैं देना चाहूंगा कि ट्रांसफर विंडो के खत्म होने तक साइनिंग क्या करते, क्योंकि साइनिंग अभी कोई चेल्सी ने ऐसी बड़ी लाइक आई सेड मेरे को नहीं लगता कोई जरूरत है, पिछले साल ही चेल्सी ने 200 मिलियन से ज्यादा खर्च करे थे लास्ट ईयर, टीमो वर्नर जीएच और हावर्ट्स पे, और लास्ट ईयर चैंपियंस लीग भी जीती है और ठीक ठाक एस्टैब्लिश टीम है, बैक 4 उनके एस्टैब्लिश्ड हैं, सेंटर मिडफील्ड भी एस्टैब्लिश्ड है, तो बहुत ज्यादा उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, शायद इसीलिए मेरे को नहीं लगता वो कुछ मेजर साइनिंग होंगी,
हो सकता है एक दो प्लेयर छोड़ के जाएं और, बट मेरे को नहीं लगता कोई बहुत मेजर साइनिंग होने वाली है चेल्सी में। हालांकि हालैंड की बात चल रही है, क्योंकि टीमो बिल्कुल टीमो हालत वर्नर जो लास्ट ईयर आए थे उन्होंने अपेक्षा अनुरूप परफॉर्म नहीं करा चेल्सी में, जिस तरह से लोग सोच रहे थे उतना अच्छा तो परफॉर्म नहीं करा। बट यू नेवर नो, थॉमस टुशेल जर्मन कोच आए बीच में, तो लेट्स सी जर्मन कोच अगर जर्मन स्ट्राइकर से अच्छी परफॉर्मेंस निकाल पाता है या नहीं। हालैंड काफी महंगे पड़ेंगे, तो मेरे को नहीं लगता चेल्सी हालैंड को खरीदेगी, बहुत महंगे पड़ेंगे हालैंड इस टाइम सोने पे टीम में। सुहागा सुहागा हो जाएगा चेल्सी के लिए अगर हालैंड ना आए तो। एक और चैंपियंस लीग देख रही होगी फिर तो, कि निकाल हो के ले सकता जाएंगे है, सिटी को, टक्कर दे सकते हैं अगर हालैंड आ गया। बिल्कुल हो सकता है अगर हालैंड आए तो, बट अगर हालैंड आता है तो फिर मेरे को लगता नहीं है वर्नर रहेगा, वर्नर जाएगा, क्योंकि फिर वर्नर बड़ा स्ट्राइकर है, एक वो हमेशा स्टार्टिंग 11 में रहना चाहेगा, तो ये भी बैलेंस आउट करना पड़ता है चीजें, तो लेट्स सी क्या होता है। एक और टीम जिसका जो हमेशा रडार में रहते, खैर उसके फैंस इंग्लिश प्रीमियर लीग में बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंडिया में भी हमने उसकी फैन फॉलोइंग देखी है, वो है आर्सेनल राजन। और लोकांगा उन्होंने साइन करा है, और शायद एक और मूव, कई सालों से आर्सेनल कोशिश कर रही है अपने आप को एस्टैब्लिश करने की एज अ बिग कॉम्पिटिशन, और हमेशा होती है। एक बात वैसे आर्सेनल के बारे में राजन, हम लोग चाहे कितनी भी कहें कि ये नहीं कर पाते, नहीं जीत पाते कुछ, लेकिन टॉप ऑफ द टाउन हमेशा होते, क्योंकि आर्सेनल का कुछ पता नहीं, जिस दिन अच्छा खेले उस दिन बड़ी से बड़ी टीम खड़ी कर देती है। हाँ, बट टॉक ऑफ द टाउन वो ऐसी है कि जैसे इस साल इतनी बुरी हालत है, आप देखो ग्रानिट जाका छोड़ के चले गए रोमा मोरिनियो के पास, जी और लोकाटेली को ये साइन करने वाला चाह रहे थे, लोकाटेली ने कहा भाई मैं तो यूवेंटस जाऊंगा, तुम रहने दो। बिल्कुल यूवेंटस ले गया वहां पर। और ब्राइटन से ये बेन वाइट को खरीदना चाह रहे हैं, और वो भी अभी तक साइन नहीं हुआ, क्योंकि बेन वाइट सोच रहा है कि मैं आर्सेनल जाऊं या ना जाऊं। तो जाओ आर्सेनल को, आर्सेनल आर्टेटा एक यंग टीम बनाने की कोशिश तो कर रहा है, बट जाओ कुछ सेटअप अच्छा नहीं बन पा रहा है। लास्ट ईयर भी हाँ कुछ एक दो पैचेस थे जिसमें बहुत अच्छा खेले, बट कंसिस्टेंसी नहीं है अभी भी आर्सेनल में। और आर्सेनल को अच्छी साइनिंग्स करने के लिए मेरे को लगता है टॉप 6 में तो एटलीस्ट फिनिश करना पड़ेगा। मेरे को ध्यान लास्ट शायद लास्ट ईयर 7th रहे वो, तो आई डोंट नो आर्सेनल कैसे अपने वापस उस ग्लोरी डेज में, वो जो नाम था आर्सेनल क्लब का, उसको वापस ला पाती है नहीं मालूम नहीं, क्योंकि अगर आप लास्ट 2 साल की परफॉर्मेंस देखो तो लेस्टर सिटी उससे कितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो बिल्कुल लेस्टर सिटी एक तरह से टॉप 6 में आ गई है, और आर्सेनल और टॉटनहम जो है ये बाहर जा रहे हैं टॉप 6 में। बिल्कुल बिल्कुल। और एक टीम जो कंसिस्टेंटली ऊपर है राजन, वो सिटी है, जिन्होंने वैसे करे तो 18 खिलाड़ी इस बार अपनी टीम से बाहर है, अलग अलग उनको या तो फ्री एजेंट बना के भेज दिया या फिर लोन पे भेज दिया। साइनिंग अभी कोई इतनी मेजर नहीं, दो साइनिंग अगर मेरे शायद मेरे हिसाब से हुई है, कैके और सारमांतो, तो शायद दो साइनिंग उनकी जो मेन वो साइनिंग है, यंगस्टर्स हैं, शायद सिटी को जरूरत भी है नहीं, वो अकेडमी में खेलेंगे, नोएडा फ्यूचर यंगस्टर्स हैं प्रोजेक्ट के वो, थ्रू कर करेक्ट, वो अगले 4-5 साल के बाद आने वाले प्लेयर्स हैं। इमीडिएट साइनिंग्स जो होंगी वो अभी, क्या होता है इस टाइम पे सारे प्लेयर्स जो होते हैं वेकेशन पे होते हैं, जब प्री सीजन स्टार्ट होगा हैं। बिल्कुल और प्लेयर्स वापस आएंगे तब पता चलेगा कि क्या होता है। बिल्कुल। और अगला जो है कुछ दिन आने वाले राजन, वो ट्रांसफर मार्केट के लिए अंतरराष्ट्रीय क्लब फुटबॉल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग मूव्स हो सकते हैं। और मैंने देखा है कि एक एक रात में चीजें बदल जाती है, कि एक आप न्यूज में कुछ पढ़ रहे होते हैं और अगले दिन बिल्कुल सुबह कहीं और साइनिंग हो चुकी होती है, तो ये बिल्कुल, बड़ी जब इंटरेस्टिंग अगर मूव अगर होगा। मैनचेस्टर सिटी हैरी केन के पीछे पड़ती है तो यू नेवर नो, लास्ट मोमेंट साइनिंग भी हो सकती है। 31 अगस्त, बिल्कुल हो मेरे ख्याल सकती से है, 31 अगस्त शायद लास्ट डेट। लास्ट डेट होती है ट्रांसफर विंडो की। टॉटनम हॉटस्पर्स के जो चेयरमैन है डैनियल लेवी, उनको बड़े इनफेमस है वो इस तरह की डीलिंग्स को लेकर। मेरे को याद है मैनचेस्टर बिल्कुल यूनाइटेड जब दिमितर बर्बटॉफ के पीछे आया था तो बिल्कुल बहुत मना साल पहले, करते रहे, बिल्कुल मना करते रहे, और एंड में आखिरी दिन उनको बेचना पड़ा बर्बटॉफ को। तो अगर बिल्कुल सिटी एडमेंट हो जाती है कि भैया हमें तो केन चाहिए चाहिए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ट्रांसफर विंडो कैसे खत्म होगी केन की। बिल्कुल। और देखते हैं जैसा आपने कहा राजन, कि ये कितना इंटरेस्टिंग होगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो ट्रांसफर मार्केट के ऊपर अपनी नजर गढ़ाए रहे हैं, लेकिन ओलंपिक्स के ऊपर भी उतनी नजर गढ़ाए रहे हैं। ज्यादा ओलंपिक फुटबॉल के बारे में डिस्कशन होता है नहीं, लेकिन काफी टफ टूर्नामेंट होता है इन जनरल, और इंडिया को जरूर सपोर्ट करते रहे, वो बड़ा जरूरी है। हमारे कई इस बार मेडल प्रोबेबल्स हैं, और तो हमारी जरूर टीम इस हो बार, सकता है इंडिया की। हाँ और इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि जो मेडल प्रोबेबल थी चानू, उसने पहले दिन ही मेडल भी जीत लिया, तो शायद 125 आगाज साल बाद
हाँ तो भैया, अब इस साल ओलंपिक का आगाज इतना शानदार है तो देखो अंजाम क्या होता है। अंजाम कैसा होगा। बिल्कुल, और हम इस पॉडकास्ट के अंजाम पर भी आ चुके हैं। राजन बहुत बहुत धन्यवाद फिर से, और अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आए जो हमने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी, वो आपको रेलिवेंट लगे तो जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं आप, फेसबुक पे जरूर हमें फॉलो करिए और स्पॉटिफाई पे हमें जरूर फॉलो करिए क्योंकि हमारा वहां पर भी पॉडकास्ट जाता है। राजन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।